Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you the investing and financing activities section of the cash flow statement. In the previous lecture, I had prepared the operating activities section of the cash flow statement. I will review the operating activities section a bit in this lecture earlier, and then I will proceed to investing and financing activities. तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन आपके सामने बना हुआ है. इसमें हमने सबसे पहले नेट इनकम ली. नेट इनकम को अज्यूम किया कि इट इज़ इक्वल टू नेट कैश फ्लोज. फिर ऐसा करने में हमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ी. तीन तरह की एडजस्टमेंट्स हैं. इसमें हमने नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट किया. इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, गेन और लॉस को एडजस्ट करना आता है, और करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को हमने एडजस्ट किया. उसके लिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का आपको एक जनरल रूल ऑफ थंब बताया कि नेट क्रेडिट चेंज विल गिव यू इनफ्लोज एंड नेट डेबिट चेंज विल गिव यू आउटफ्लोज. तो करंट एसेट्स को मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया था. करंट लाइबिलिटीज को उसी तरीके से मैं आपके साथ पहले एक्सप्लेन करता हूँ. आपने बैलेंस शीट में उसके राइट साइड पर जो है कैलकुलेशन कर ली थी इंक्रीज और डिक्रीज की. देयर वॉज इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल ऑफ 16,000. तो इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल मीन्स इसके अंदर क्रेडिट चेंज हुआ है. लाइबिलिटीज के अंदर इंक्रीजेस हो तो उसको हम क्रेडिट लेते हैं, तो क्रेडिट चेंज में कैश इनफ्लोज होता है. इसी तरीके से डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, उसमें डिक्रीज हो तो डेबिट चेंज होता है. डेबिट चेंज जो है वो कैश आउटफ्लोज होते हैं. ये हमारा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन कम्प्लीट हो गया है. तो इसका आंसर आ गया नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो अब अगर इसके आप लॉजिक को समझना चाहें, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था अकाउंट्स रिसीवेबल इन्वेंटरी के हवाले से, इसी तरीके से मैं आपके साथ इसकी लॉजिक के हवाले से आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर आप सोचें कि डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल है, इनकम टैक्स पेबल एक लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी में जब डिक्रीज होगा तो इसका क्या कैश इम्प्लीकेशन क्या होंगी? इसकी कैश इम्प्लीकेशन ये होंगी कि जब आप लाइबिलिटी को अदा करते हैं तो जाहिर बात है आपका कैश में कमी आएगी. कैश के जरिए ही अदा करते हैं ना, इनकम टैक्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट. तो इस तरह से आपका कैश डिक्रीज होगा. तो ये वही लॉजिक जो है इधर आपको नजर आ रही है कि कैश आउटफ्लो जो है वो 2000 का आपको नजर आ रहा है. इसी तरीके से इसके उलट सिचुएशन में आ जाएं कि अब मसलन अकाउंट इनकम टैक्स पेबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैश आउटफ्लो है. तो इसके ऑपोजिट को आप इसी तरीके से लें कि अकाउंट्स पेबल उसी तरीके से एक लाइबिलिटी है, उसमें अगर डिक्रीज होगा तो आपकी जेब से पैसे जाएंगे ऑब्वियसली अकाउंट्स पेबल को अदा करने के लिए, और अगर इंक्रीज होगा तो वो कैश इनफ्लो होगा. तो ये आपके साथ मैंने इसकी जो है वो लॉजिक भी शेयर कर दी. अब हम जो है प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा, स्लाइड्स में भी मिल जाएगा. स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसमें ये आप देख लीजिए. जो अभी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया, इसमें उसकी समरी भी डिस्क्राइब की गई है, समरी ऑफ द कन्वर्जन टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड. ये आपको समरी बता दी है, इसको आप अपने जहन में रखें. नॉन कैश चेंजेस, नॉन कैश चार्जेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं हमेशा ऐड होंगे. इसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ जाता है, अमोर्टाइजेशन भी आ जाता है, डिप्लीशन वगैरह भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली आपको इन दो से ही पाला पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. गेन एंड लॉसेज का आपको बता चुका, लॉस हो तो ऐड होगा, गेन हो तो डिडक्ट होगा. और चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, इसके ऊपर मैंने आपको वो रूल ऑफ थंब बता दिया जो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे लगेगा, वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं. ठीक है, ये वाला अगर आप याद करना चाहें तो ये याद कर सकते हैं. ये दोनों एक्चुअली एक ही हैं, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ. उसको शेयर करने से पहले मैंने आपके साथ क्वेश्चन का ये जो आखिरी हिस्सा है जिसमें बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, वो दोबारा से मैंने स्लाइड इधर कॉपी कर ली ताकि हमें बहुत पीछे जाके रिव्यू ना करना पड़े, यहीं से हम रिव्यू कर लेंगे. तो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन इसी तरीके से प्रिपेयर होगा. आपने एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है. ये इर्द गिर्द जो उसकी वर्किंग है वो जो है इतनी अहम नहीं है, ऑल्दो ये है कि आपकी स्टेटमेंट का पार्ट वो नहीं है, वो उसकी कैलकुलेशंस हैं, रिक्वायर्ड होती हैं. अब आप जरा गौर से देखें तो ये इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन को हमने इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है पार्शियल स्टेटमेंट.
यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले जाता है, एक पेज में नज़र ना आता, लिहाजा हमने सिर्फ उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन का जो फाइनल आंसर है, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,72,000 यूरोस, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इट इज़ अज्यूम्ड दैट कि इसके ऊपर हमने उसको सॉल्व किया हुआ है तो एक अलग पेज पे किया हुआ है या व्हाट्सो एवर। अब हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेक्शन की तरफ आते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो उसमें हमारे पास जो है, अगर हम एसेट्स को जहन में लेके आए, उसमें हमने कुछ एसेट्स परचेज किए होंगे जिसके ऊपर हमारी कुछ अमाउंट स्पेंड हुई होगी, ठीक है, तो हम उसको ले लेंगे। इस तरह से अगर हमने कुछ जो है वो आउटफ्लो हो जाएगा, कुछ हमने अगर सेल आउट किए हैं तो वो इनफ्लो होता चला जाएगा हमारा। तो अब हम सबसे पहले अपने जो है वो एसेट ऑफ बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। और बिल्डिंग का हमें कैसे पता चला, वो हमें ऐसे पता चला कि हमने जो है अपने एसेट्स की तरफ जब देखा तो पॉइंट नंबर चार में हमें नजर आ रहा है ए बिल्डिंग कॉस्टिंग 120,000 यूरोस वाज परचेज फॉर कैश, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 25,000 यूरोस वाज परचेज फॉर कैश। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि हमने एक बिल्डिंग को परचेज किया है, ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके आ सकते हैं। सिंपल सिनेरियोस में, सिंपल क्वेश्चंस में ये चीज काफी है कि आप इसको स्ट्रेट अवे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले आए, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपना जो है लॉन्ग टर्म एसेट का जो है लेजर अकाउंट बना लें ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन का इल्म हो जाए। इस तरीके से आप अपने रफ वर्किंग के अंदर बिल्डिंग का एक अकाउंट बना लेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन से जो है वो आप कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास दो बैलेंस शीट्स हैं, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट विद सर्व एज बिगनिंग बैलेंस और करंट ईयर की बैलेंस शीट विद सर्व एज एंडिंग बैलेंस। तो मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। आपने बिगनिंग बैलेंस जो है वो ले लिया 40,000 बिल्डिंग का और जो है आपने एंडिंग बैलेंस पुट कर लिया 160,000। तो और साथ ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने बता दिया कि हमने 120,000 की ऑफिस बिल्डिंग जो है वो परचेज की है, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। यहाँ पे आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफिस बिल्डिंग यहाँ लिखा गया है, अदरवाइज डेबिट एंड क्रेडिट के एतबार से यहाँ पे होना चाहिए था बिल्डिंग डेबिट तो कैश क्रेडिट, ताकि आपको तो इस ये हमारे चूंकि एनालिसिस के अकाउंट्स हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अकाउंट्स हैं, तो इसके लिए हमने वाजे तौर पे ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिख दिया। सो दिस इज कैश आउटफ्लो रिपोर्टेड इन इन्वेस्टिंग सेक्शन। तो दूसरा, अगर आप रूल ऑफ थंब लगाना चाहें तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन एसेट्स है, तो 120,000 का इंक्रीज हुआ है तो ये डेबिट चेंज होता है तो ये आउटफ्लो होता है, तो आप उस तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने जो है कैश आउटफ्लो है परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये आपके सामने 120,000 आ गया। अगर वापस जाके आप देखना चाहें तो आपकी जो बैलेंस शीट थी उसमें आप देख सकते हैं बिल्डिंग का बिगनिंग बैलेंस 40,000, एंडिंग बैलेंस 160,000 और इंक्रीज जो है हुआ है 120,000। ये 120,000 के इंक्रीज होने की इंफॉर्मेशन अगर नीचे दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो लाइन है, इंफॉर्मेशन है, उससे टैली कर जाए तो वेल एंड गुड, तो आपको तस्दीक हो जाएगी, ठीक है, कि ये ऐसा ही है। अदरवाइज आपको अकाउंट्स जो आपने प्रिपेयर किया है उसके ज़रिए आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मालूम हो सकती है। तो इस तरह से अब हम आगे मूव करते हैं। बिल्डिंग नामी हमने एक एसेट को जो है वो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, ये बिल्डिंग परचेज ऑफ बिल्डिंग आ गया 120,000। इसी तरह से हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ा था परचेज ऑफ इक्विपमेंट जो है वो 25,000 है, वो हमने 25,000 को भी एनालाइज कर लेते हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि बेहतर होगा कि आप एक जनरल एंट्री बना लें, ये आप अभी प्रीवियस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लेक्चर में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कैश आपको 4,000 रिसीव हुआ। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप इक्विपमेंट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो उनके ज़ाती बैलेंस हैं उनको उल्टा देंगे। इक्विपमेंट डेबिट होता है उसको अपने क्रेडिट दे देना है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है उसको अपने डेबिट दे देना है। इस तरह से आपका एसेट जो है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। और ऐसा करने के दौरान आपको कैश कितना रिसीव हुआ है, वो 4,000 हुआ है। तो जब आपने 4,000 पुट किया
और 8000 क्रेडिट को दिया, तो 3000 का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे बच गया। अगर डेबिट साइड पे कुछ बचता है दैट इज लॉस, और अगर क्रेडिट साइड पे कुछ बचता है वो गेन, तो आपको लॉस हुआ। अब इसमें से पते की क्या बात है, पते की बात है कि आपने कैश इसमें से आइडेंटिफाई करना, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो 4000 इंक्रीज इन एसेट्स इस सारी ट्रांजेक्शन के दौरान हुआ है, तो लिहाजा हमने जो है वो 4000 का कैश हमने रिसीव किया, जो कि हम इस दौरान। और इस दूसरी चीज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारा बिगिनिंग बैलेंस 10000 है, एंडिंग बैलेंस जो है वो 27000 है। तो इसमें सारे मामले में गौर तलब बात ये है कि हमने ये एक इक्विपमेंट जो है सेल आउट भी किया है 8000 का, तो हमने उसको भी क्रेडिट दिया। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल सिनेरियो को देखें, एक तो ये है कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत वाजे इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि इक्विपमेंट 25000 का आपने जो है परचेज किया, उस पर 25000 कैश आउटफ्लो है। लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि जो भी एसेट है अगर आपने कोई सेल आउट किया है तो उसका अकाउंट पूरा बना लें, उस एसेट का, इक्विपमेंट को सेल आउट किया है वाजे है तो उसका एक लेजर अकाउंट बना लें, उससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और सेल आउट की जाने वाली जर्नल एंट्री भी बना लें तो उसमें आपको तमाम पिक्चर वाजे तौर पर नज़र आ जाएगी कि 25000 जो है वो कैश आउटफ्लो है और 4000 कैश इनफ्लो है विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट। ये अभी हम आगे आके देखते हैं। तो ये आपको रेड कलर में जो नज़र आ रहा है वो ये आपके सामने आ गया, परचेज ऑफ बिल्डिंग 120000, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 25000, डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स, यहाँ पे लिख देना चाहिए रेदर प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स, यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स 4000 है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, बैलेंस शीट को देखते हुए, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ये देखा कि टोटली जो ज़रूरत पड़ रही है हमें, जो फिक्स एसेट्स हैं वो यही हैं, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है और प्लांट एसेट्स है। आप कहेंगे कि लैंड में भी तो इंक्रीज हुआ है, यस लैंड में इंक्रीज हुआ है, लेकिन लैंड के इंक्रीज में मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर आया हूँ कि लैंड के इंक्रीज में हमें कैश कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ी, क्योंकि लैंड जो है वो हमने बॉन्ड्स के इवज, बॉन्ड्स पेबल के इवज जो है वो परचेज की थी। बॉन्ड्स पेबल एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और इसके अंदर कोई हमारा कैश स्पेंड नहीं हुआ, लिहाजा इसके अंदर इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से है। अब इस स्लाइड के ऊपर आपके सामने सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन आ गया, फिर जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेक्शन आ गया, लेट्स मूव ऑन टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन के लिए आप गौर से देखें तो आपको पॉइंट नंबर 5 और 6 में इसके बारे में वाजे इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, जो कि आपको ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से भी टैली करती हुई नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इशूड ऑर्डनरी शेयर ऑफ 20000 यूरोस कैश, तो ऊपर शेयर कैपिटल में जाएं तो आपको वही 20000 का इंक्रीज नज़र आ रहा है, आपको कंफर्म हो गया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, 20000 आपने इनफ्लो में लिख देना है। कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड 29000 यूरोस कैश डिविडेंड, तो कैश डिविडेंड आपने 29000 का पे किया है वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें आपको बात क्लियर हो जाएगी विच इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। वैसे इन 20000 और 29000 को लेके आप अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले बेहतर होगा कि एक इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट आप ज़रूर बना लें। तो वो आपके सामने पहले मैं शेयर कैपिटल को डिस्कस कर लूँ। सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इट हैज़ बीन टोल्ड इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव इशूड वर्थ 20000 यूरोस शेयर कैपिटल, तो ये हमने उसको जो है टैली कर लिया, बिगिनिंग बैलेंस एंडिंग बैलेंस को 50+20 70000 होता है, लिहाजा ये हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 20000 इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैश इनफ्लो हमने डाल लिया। अगर आप रूल ऑफ थंब के जरिए उसको देखना चाहते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिट चेंज होती है, क्रेडिट चेंज जो है वो कैश इनफ्लो होता है, तो प्लस होता है। इसी तरह से कैश डिविडेंड्स का उन्होंने बता दिया 29000 है, अगर आप चाहें तो स्ट्रेट अवे इस तरीके से मूव करके आगे जा सकते हैं। तो अब हमने टोटल किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, तो 120000 आउटफ्लो, 25000 आउटफ्लो, 4000 इनफ्लो, नेट इसका आ गया 141000 आउटफ्लो नेगेटिव के साथ।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 20,000 इनफ्लो, 29,000 आउटफ्लो, 9,000 जो है वो नेट जो है हमारा आउटफ्लो हो गया। अब इस तरह से हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 141,000 आउटफ्लोज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 9,000 आउटफ्लोज है और 172,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो है। अगर आप पूरी सिचुएशन का जायजा लें तो आपने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जरिए 172,000 यूरोज अर्न किए, इनफ्लो आया, सॉरी अर्न नहीं कहना चाहिए, कैश इनफ्लो आपका 172,000 आया, और आपने उस 172,000 के कैश इनफ्लो में से 141,000 की अपनी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे उसको खर्च किया, अपनी जरूरत की चीज़ों पे खर्च किया, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट पे खर्च किया, और उसके बाद फिर आपने कुछ जरूरत पड़ने पे अपने ऑर्डिनरी शेयर्स भी इशू किए जिससे आपको कैश इनफ्लो आया और डिविडेंड पे किया, तो नेट जो है 9,000। अच्छा, अब 172,000, 141,000 इन सब का नेट तीनों एक्टिविटीज का जो निकलता है दैट इज नेट इंक्रीज इन कैश 22,000। ये कैसे आया? 172,000 माइनस 141,000 माइनस 9,000, दिस गिव्स अस 22,000 नेट इंक्रीज इन कैश। अब इसका भी एक जनरली आप देख सकते हैं, अगर आप 22,000 अपना आपका जो है पूरे इस टाइम पीरियड में इंक्रीज इन कैश है, एक और से देखें, जिस वक्त हमने क्वेश्चन को देखा था, बैलेंस शीट को देखा था, तो एक बिगिनिंग बैलेंस 33,000 कैश का है और 55,000 एंडिंग बैलेंस है। उसमें मैंने आपको कहा था कि फिलहाल कैश को छोड़ दें, एंड पे देखेंगे, तो ये देखें वही 22,000 इंक्रीज इन कैश आ गया। अब ये दोनों चीज़ें टैली हो गई। अगर आपका कैश इस तरीके से टैली हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट सारी सही बनी है, और अगर ये टैली ना हो तो इसका मतलब है देयर इज सम मिस्टेक। तो बिगिनिंग बैलेंस जो है आपका 33,000 है 2017 के स्टार्ट में, और 55,000 एंडिंग बैलेंस है। इसी को हम थोड़ी देर में आगे चल के एक लेजर अकाउंट की शक्ल में इसको देख लेते हैं, या वैसे कैलकुलेशंस की शक्ल में देखते हैं। ये देखिए 22,000 जो है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नतीजे में नेट इंक्रीज इन कैश 22,000 है। इसमें बिगिनिंग बैलेंस 33,000 ऐड किया तो कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारा 55,000 यूरोज आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आगे हम एक दो स्लाइड्स और देख लेते हैं जिसमें माइट बी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा बेटरली एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैंने आपसे अर्ज किया था कि डिविडेंड्स 29,000 है, इसको जरा आप अंडरस्टैंड करने के लिए वर्किंग के अंदर रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बना लेंगे। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, बिगिनिंग बैलेंस गिवन है, एंडिंग बैलेंस गिवन है, एक आइटम इसको क्रेडिट करता है यानी कि नेट इनकम, आपको इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगी, और डिविडेंड जो है वो आपको गिवन है 29,000 है। तो इस तरह से ये भी टैली हो गया सारा कुछ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपकी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो चुकी है इनडायरेक्ट मेथड से। इसको आप पूरी को बगौर जायजा कर लें, एक फाइनली रिव्यू कर लें, ये आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी हुई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन, सेक्शन वन स्टार्टिंग फ्रॉम नेट इनकम, और उसमें नॉन कैश आइटम्स को एड लेस किया, गेन और लॉस को एडजस्ट किया, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को जो है रूल ऑफ थंब से किया, इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज किया, और अपनी बैलेंस शीट को देखा, और सारे आइटम्स को टेक इन टू अकाउंट करते करते जो है वो डिविडेंड पे पहुंचे, ऑर्डिनरी शेयर्स, और फिर ये जो हमने इसको रिकॉन्सिलिएशन किया। तो इस तरह से इसके तीन मेन पोर्शन हुए, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीन सेक्शन हो गए। फिर उसके बाद ये रिकॉन्सिलिएशन सेक्शन हो गया, और जिसमें आप बिगिनिंग बैलेंस को ऐड किया और एंडिंग बैलेंस आपका एज ए फाइनल आंसर आ गया।